भागलपुर के लैलख वहियार में अपराध कर्मियों द्वारा नव निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर हाईवा चालक से लूटपाट के क्रम में गोली मार देने के मामले का भागलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि बीते 4 अप्रैल की देर रात लैलख वहियार में अपराध कर्मियों द्वारा नव निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर हाईवा चालक से लूटपाट कर गोली मार देने की सूचना मिली, जिसके बाद घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस द्वारा मामले में केस दर्ज कर एक टीम का गठन किया गया। एसएसपी ने बताया कि टीम ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते हुए घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्नूचक से हथियार और गोली के साथ सुमन कुमार की गिरफ्तारी की, जबकि सुमन के बयान के आधार पर प्रिंस कुमार को अवैध हथियार और कारतूस के साथ और एक मोबाइल के साथ रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराध कर्मियों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उन लोगों की निशानदेही पर लैलख से और 4 बदमाशों को अवैध गोली हथियार और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही एसएसपी ने बताया कि टीम ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है जिससे मृतक सुबोध कुमार को बदमाशों ने गोली मारी थी, जबकि घटना में शामिल 5 अन्य अपराध कर्मी फरार चल रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इधर गिरफ्तार 8 अपराध कर्मियों में जूठन कुमार, रघुवीर कुमार, साहिल कुमार, ऋषि कुमार, ओम कुमार, रविंद्र कुमार, प्रिंस कुमार और शुभम कुमार शामिल है। यहीं पे सबौर में जो लैलख करके गांव है वहीं के सारे रहने वाले हैं। गिरफ्तारी 2 जगह से हुई है, एक घोघा में गांव है पुनूचक, वहां से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी लैलख से हुई है। हम लोग खंगाल रहे हैं, इनके पास से कुछ मोबाइल भी मिले हैं जो कि इनके द्वारा बताया गया है कि अलग अलग जगहों से लूटे गए हैं, उसका भी हम लोग जो IMEI निकाल के और हम लोग सत्यापन करेंगे विभिन्न थानों में और सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ भी भेजा जाएगा कि कहीं से कहाँ पे कौन सा मोबाइल लूटा गया, जिससे ये भी पता चल सके कि पिछला इन्होंने जो अपराध किया वो कहाँ था। सर मकसद लूट ही था या कुछ और भी? ये लूटपाट के दौरान ही हत्या हुई थी, क्योंकि जहाँ पे हत्या हुई है उसके पीछे भी एक ट्रक ड्राइवर थे जो कि इस चीज़ों के चक्षुदर्शित है, तो उन्होंने भी बताया कैसे हत्या हुई, लूटपाट करने के दौरान ही हत्या हुई। भागलपुर शहर में अपराधियों ने एक इंटर के छात्र को सिर में गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल छात्र को इलाज के लिए मायगन अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुरहट्टा चौक के समीप स्थित स्टेट बैंक वाली गली के पास मदन कुमार मोदी के पुत्र प्रियांशु कुमार मोदी की कुछ अपराधियों ने जमकर पिटाई कर उसके सिर में गोली मार दी। वहीं इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना युवक के परिजनों को दी और आनन फानन में परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा छात्र की हालत नासूक बताई जा रही है। वहीं मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि प्रियांशु मोदी पढ़कर दुकान पर आया था, लेकिन वहां से वापस अपने घर जाने के क्रम में गली के मोड़ पर 3 युवकों के द्वारा उसकी जमकर पिटाई कर उसके सिर में गोली मार दी गई, जिसके बाद वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रियांशु अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई करता है, जो सिकंदरपुर पानी टंकी के पास एक निजी कोचिंग सेंटर से पढ़कर तुरंत घर लौटा ही था, जिसके बाद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। इसको लेकर रोती भुलकती प्रियांशु की नानी ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रियांशु की मोहल्ले के ही कुछ लड़कों के साथ सरस्वती पूजा में किसी बात को लेकर झड़प हुई थी और हो सकता है बदमाशों ने उसी का बदला लेने के लिए प्रियांशु पर हमला किया होगा। वहीं घायल प्रियांशु मोदी के मामा चंदन मोदी ने बताया वो अपने चाय दुकान पर था, तभी उसे इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि प्रियांशु अचेत अवस्था में सड़क पर पड़ा था। साथ ही कहा कि प्रियांशु की कभी किसी से दुश्मनी नहीं रही है और यह घटना कैसे हुई यह समझ से परे है। इधर ही घटना की सूचना पर सिटी DSP अजय कुमार चौधरी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो घर से पहाड़ के दुकान पे आया, चाय पिया, मोबाइल को चार्ज में लगाया, चाय पीते पीते घर के तरफ गया, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, उधर से बाहरी आदमी आकर के बोला कि देखो मार के गिरा दिया है, तो दुकान अपना बंद करके गए, उसको उठाएं तो गाड़ी पे और सब पब्लिक सब जो है बगल का दुकान उकान वाले सब पकड़ के गाड़ी पे बैठाएं, वो यहाँ लेके आए हैं। नहीं कोई दुश्मनी नहीं, वो किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस दोस्त यार आता है, सब बगल का ही है, सब भगना है ये सब। घायल हुआ है, क्या नाम है? उसका नाम प्रियांशु कुमार मोदी है। क्या लगता है कोई वो मेरा भगना है? क्या शक लग रहा है? शक क्या, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब पढ़ने लिखने
मतलब लड़का है सब 12 में, अभी तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। कैसे क्या कांड हुआ? कैसे क्या मतलब ये चाय पी के गली की तरफ घर की तरफ गया और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को लेकर लोग भागलपुर नगर निगम का कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से पिछले 3 दिनों से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सेंट्रल ऑफिस के सॉफ्टवेयर में आई कुछ खराबी के कारण ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर लोग रोज नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी की तरफ से कुछ खराबी के कारण ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। वहीं इसको लेकर नगर निगम के उप रजिस्ट्रार विकास कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। सीआरएस पोर्टल जो है जिस पर की रजिस्ट्रेशन होता है उसी में कुछ अपडेशन चल रहा है, इस वजह से मतलब ऐसा हो रहा है सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से। काफी लोग परेशान हैं, घूम के जा रहे हैं। परेशानी दूर करने का एक्चुअली है कि हम लोग जो मुख्य रजिस्ट्रार है वो मतलब रिटायर कर गए, उनके जगह पर किसी का मतलब अभी मुख्य रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से मतलब ये राज्य स्तर पर भी इस पोर्टल को नहीं खोला जा पा रहा है, और लेकिन उम्मीद है कि सर्वर एक दो दिन में। जनगणना के कारण विलम्ब ये हो सकता है कि ऑपरेटर का जो कमी है, ऑपरेटर हमारे पास जो सीमित मात्रा में है, तो ऑपरेटर की वजह से कुछ विलम्ब हो सकता है जनगणना में भी। वो भी सरकार का ही काम है और जन्म मृत्यु जनगणना सारे काम को ऑपरेटर लोग करते हैं, तो उस वजह से ऑपरेटर की कमी की वजह से कुछ विलम्ब हो सकता है। बट ये जो समस्या है मुख्य रूप से अभी ये सीआरएस पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से या सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं हो पा रहा। भागलपुर के 0 माइल काली मंदिर के समीप स्थित श्री राम ट्रामा सेंटर एंड हॉस्पिटल के दूसरे स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, जाने माने चिकित्सक डॉक्टर पीबी मिश्रा, डॉक्टर विनय झा, डॉक्टर एसएस झा, डॉक्टर हिमाद्री शंकर समेत कई चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान श्री राम हॉस्पिटल के प्रबंधक नीरज कुमार सिंह, राहुल कुमार और संजीव कुमार समेत कई अतिथियों के द्वारा केक काटकर स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जबकि इस दौरान प्रबंधन की ओर से कार्यक्रम में शामिल हुए कई अतिथियों और चिकित्सकों को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आकाशवाणी के वरीय उद्देशक विजय कुमार मिश्र ने किया, जबकि समारोह में शामिल डॉक्टर प्रीति शेखर, डॉक्टर पीबी मिश्रा, विवेकानंद केंद्र के विजय कुमार वर्मा और अस्पताल प्रबंधक नीरज कुमार समेत कई अतिथियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में श्री राम हॉस्पिटल प्रबंधन को दूसरी वर्षगांठ पर शुभकामना और बधाई देते हुए आगे भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान करने की कामना की। साथ ही अस्पताल के शुरुआती दौर में ही कोरोना महामारी काल का सामना कर पूरी टीम द्वारा डटकर लोगों की सेवा कर बेहतर सुविधा मुहैया कराने की भी लोगों ने सराहना की। वहीं इसको लेकर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को अस्पताल में हर तरह की ज़रूरी सेवा प्रदान की जाती है, जबकि कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मरीज को कम खर्च या निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन के राहुल कुमार सिंह और संजीव कुमार के अलावा पूरी टीम कार्यक्रम के दौरान एक्टिव दिखी, जबकि सभी वरीय चिकित्सक के साथ समारोह में पहुंचे लोगों ने भी श्रीराम हॉस्पिटल को आने वाले दिनों में न सिर्फ भागलपुर बल्कि बिहार में भी अपनी अलग पहचान बनाने की शुभकामना दी। स्थापना समारोह में वाजिद अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अली, अरुण झा, डॉक्टर पंकज समेत अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मी और काफी संख्या में अतिथि मौजूद रहे। खुद अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा अस्पताल ये श्रीराम हॉस्पिटल जो है 2 साल और हम लोग के एक टीम के साथ 2 साल बहुत अच्छी तरह गुजार ये से अच्छे से चला है, और बहुत ऐसा मरीज आया जिनको हम लोगों ने फ्री में इलाज करके, जो गरीब जैसे मरीज आ रहे हैं उनको फ्री में इलाज करके उनकी दुआओं के कारण हम लोग 2 साल बहुत अच्छी तरह से ये कटा है। और जब फर्स्ट साल जब चैलेंजिंग था हम लोग का, जब उसमें कोविड प्रारंभ हुआ था, जब अस्पताल का इनॉग्रेशन हुआ उसके मात्र तीसरे दिन कोविड आ गया। उससे कोविड आने के बाद अस्पताल में एक आपदा के रूप में कोविड का ये हुआ, उसके कारण हम लोग फिर एक टीम अच्छे से संघर्ष किए, कोविड का डट के मुकाबला किए और कोविड को हराया, और उस दिन से हम लोग अस्पताल का श्रीराम का नाम 10 गुना और आगे गया, क्योंकि हम लोग ने जो एक टीम जो थे वो टीम ने डट के कोविड का मुकाबला किया। राम हॉस्पिटल अभी इस पूरे अंग क्षेत्र में
इन्होंने अपनी सेवा की बदौलत, इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठता से जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, उससे ये बहुत ही आगे जा रहा है। और यहाँ से जो भी मरीज आ रहे हैं, यहाँ से सकुशल वो स्वस्थ होकर जा रहे हैं। ये किसी भी अस्पताल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आज उन्होंने अपने 2 वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे किए, और कोविड जैसे महामारी के दौर में इन्होंने जो सेवा कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय था, और हमने खुद अपने नज़र से देखा है कि यहाँ से लोग स्वस्थ होकर गए हैं। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर जिला में अवैध खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विभाग और पुलिस द्वारा इतनी सख्ती बरतने और छापेमारी के बाद भी माफिया खनन करने में धड़ल्ले से जुटे हैं। इसको लेकर भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार खनन विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इधर कचहरी थाना क्षेत्र के सिमैया से खनन निरीक्षक ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया, जबकि बराड़ी थाना शूटर अंतर्गत चेक पोस्ट के पास से ट्रैफिक डीएसपी और खनन विभाग की टीम ने 6 ट्रक को जब्त किया है। वहीं खनन निरीक्षक ने बताया कि आगे भी खनन माफिया के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा और जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नाथनगर सीटीएस रोड स्थित आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्रों का 2 दिवसीय समागम शनिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य सीवी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्राचार्य ने बताया कि कार्यक्रम 8 और 9 अप्रैल को आयोजित होगा, जिसमें पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन भी होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में कॉलेज के कई पूर्ववर्ती छात्र भी अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कई सरकारी संस्थानों में सेवारत हैं, जबकि इसके अलावा कई सांसद भी शामिल। प्राचार्य ने बताया कि जिस पूर्ववर्ती छात्र की मृत्यु हो गई है, उसे कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि रात्रि के सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में करीब 100 पूर्ववर्ती छात्र हिस्सा लेंगे। मौके पर डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ 8 और 9 तारीख को, अप्रैल में 9 को पूर्ववर्ती छात्रों का एक समागम हो रहा है। सभी लोग जो उत्तर प्रदेश, अन्य स्टेट, दिल्ली वगैरह से सभी लड़के जो पहले से इस महाविद्यालय में पढ़े हैं और आज अच्छे स्थिति में वो लोग अपना हॉस्पिटल क्लिनिक चला रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर प्रतिष्ठापित हैं, तो मेरे मन में आया कि एक बार कॉलेज में जो है पुनर जो है छात्रों का मिलन कराएं और अपना जो है समस्याओं को उन लोगों के सामने भी रखें। उसको ले करके 8 और 9 को पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन इस महाविद्यालय में किया गया, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डॉक्टर देवेंद्र पांडे, उत्तर प्रदेश देवरिया जिला के सांसद डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी, जो कभी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं, डॉक्टर प्रमोद सिंह जो भभुआ के भूतपूर्व विधायक रहे हैं,
डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी जो कि दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी अभी जो है पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य हैं, यहाँ भी प्राचार्य रहे हैं, उस सभी लोगों का आगमन हो रहा है।